डी स्टूडेंट आफ्टर डिस्कशन ऑन रैंडम वॉक एंड स्टेशनरी प्रोसेस किस टाइप की सीरीज और उसकी ग्राफिकल एनालिसिस किस टाइप का होगा कब हमें आइडिया हो जाएगा उसका ग्राफ देख uh, like, के वैदर द सीरीज इज स्टेशनरी आर नॉट देन वी हैव स्पेसिफाइड लाइक फॉर्मूलाज जिससे हमें आइडिया हो जाएगा कि अगर रो की वैल्यू इक्वल टू वन है इट मीन्स देर इज यूनिट ट्रूथ देर इज लाइक द सीरीज इज नॉन स्टेशनरी इसी तरह वी हैव एनदर टर्म विच इज़ डिटर्मिनिस्टिक ट्रेंड कौन सी सीरीज होगी जो प्योर रैंडम वॉक होगी कौन सी सीरीज होगी जिसमें डिटर्मिनिस्टिक ट्रेंड होगा और uh, कौन सी सीरीज़ होगी जिसमें डिटर्मिनिस्टिक ट्रेंड भी होगा और उसके साथ साथ आप उसको देख सकते हैं देर इज रैंडम वॉक भी होगा आप उसमें देख सकते हैं देर इज ड्रिफ्ट तो अब नेक्स्ट वी हैव लाइक वाई टी इज इक्वल टू बीटा वन प्लस बीटा टू टी प्लस बीटा थ्री वाई टी माइनस वन प्लस एरर टर्म या आप उसको डिस्टर्बेंस टर्म भी कह सकते हैं यू हैव द आइडिया ऑफ बीटा वन क्या शो करता है बीटा टू का आइडिया है यू हैव द बीटा थ्री का आइडिया है यू हैव द आइडिया ऑफ एर टर्म और स्पेसिफिकली वैन देर इज डिटर्मिनिस्टिक ट्रेंड देन बीटा वन इज नॉट इक्वल टू जीरो बीटा टू इज नॉट इक्वल टू जीरो एंड बीटा थ्री इज इक्वल टू जीरो इफ बीटा थ्री इज इक्वल टू जीरो इट मीन्स देर इज नो रैंडम वन कि आपकी हर नेक्स्ट वैल्यू प्रीवियस वैल्यू के साथ उस तरह एसोसिएट नहीं हो रही तो जिस वक्त बीटा थ्री इज इक्वल टू जीरो वाई टी माइनस वन की टर्म जो है ये मॉडल से एक्सक्लूड हो जाएगी और आपके पास सिंपल मॉडल बन जाएगा वाई टी इज इक्ल टू बीटा वन प्लस बीटा टू टी प्लस एर टर्म इट मीन कि आपकी जो सीरीज है इट ओनली डिपेंडिंग ऑन द टाइम कि विद द पैसेज ऑफ टाइम ये किस तरह चेंज हो रही है और जिस वक़्त विद द पैसेज ऑफ टाइम ये चेंज होती जाएगी तो इसको हम कह सकते हैं कि आपकी जो सीरीज है वो वही अगेन पहले वाली कि सीरीज विद द पैसेज ऑफ टाइम चेंज हो रही है दिस इज नॉन स्टेशनरी लेकिन नॉन स्टेशनरी की दो टाइप होती हैं एक आपको बताया आ, ये रैंडम वॉक होती है प्योर रैंडम वॉक एक होती है रैंडम वॉक विद ट्रेंड एक होती है ओनली देर इज अ ट्रेंड बट देर इज नो रैंडम वॉक द वैल्यू ओनली डिपेंडिंग ऑन द टाइम पीरियड विद द पैसेज ऑफ टाइम किस तरह चेंज हो रही है तो जिस वक़्त वैल्यू में डिटर्मिनिस्टिक ट्रेंड होगा उसको नॉन स्टेशनरी से स्टेशनरी बनाने के लिए प्रोसीजर थोड़ा सा डिफरेंट होगा लाइक इफ यू यू हैव अ प्योर रैंडम वॉक यू कैन फाइंड द डिफरेंस ऑफ द सीरीज डिफरेंस लेंगे तो उसका रैंडम वॉक ख़त्म हो जाएगा और वो सीरीज़ आपकी स्टेशनरी हो जाएगी और उसमें यूनिट रूट खत्म हो जाएगा अगर आपकी सीरीज़ में डिटर्मिनिस्टिक ट्रेंड है विद द पैसेज ऑफ टाइम वैल्यू चेंज हो रही है तो आपने सिंपल उसमें से हर y की वैल्यू में से उसका मीन माइनस कर लेना है y माइनस वाई बार लेंगे तो उसको हम कहते हैं डी ट्रेंडिंग आपके पास जो सीरीज का ट्रेंड आ रहा है उस ट्रेंड को खत्म करने के लिए हर y t में से y t बार माइनस करते जाएंगे तो आपके पास एक नई सीरीज आ जाएगी और वो जो सीरीज आएगी उस सीरीज को हम कहेंगे वो स्टेशनरी हो गई है जिस तरह पहले आई uh, यू अबाउट द डेटा ऑफ जी डी पी और जी डी पी का डेटा है विद द पैस या टाइम इंक्रीज़ हो रहा है अब हर वैल्यू जब नेक्स्ट ईयर इंक्रीज होती जा रही है तो उसका हमने डिफरेंस उस तरह नहीं लेंगे हम उसको डी ट्रेंड कर देंगे और डी ट्रेंडिंग जब करेंगे तो वो आपकी नॉन थी स्टेशनरी सीरीज स्टेशनरी में कन्वर्ट हो जाएगी और आ, इस डिटर्मिनेस्टिक ट्रेंड को जब हम ख़त्म करते हैं तो उसको सिंपल हम कहते हैं द प्रोसेस ऑफ डी ट्रेंडिंग ट्रेंड ख़त्म करना है और ट्रेंड जो ही खत्म हो जाएगा तो आपकी सीरीज सिंपली हम कह सकते हैं नॉन स्टेशनरी से स्टेशनरी कन्वर्ट हो जाएगी या उसमें जो यूनिट रूट का प्रॉब्लम था उस प्रॉब्लम को हमने रिजॉल्व कर दिया बाय डी ट्रेंडिंग द सीरीज और डी ट्रेंडिंग की वजह से आपकी सीरीज नॉन स्टेशनरी से स्टेशनरी में कन्वर्ट हो गई